Assalamu alaikum. My name is Maham Abed, and the topic of my presentation is Morris water maze. The topic which I am discussing here is procedure protocol. Setting up the water maze. The main component of the water maze setup should be round pool. The main component hoga water maze ka wo hoga round pool. Matlab ek round pool hoga jo ki 6 feet diameter mein hoga. और 3 फीट डीप होगा. उसके अलावा हम उसके अंदर वीडियो कैमरे को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि जो जितना भी टास्क है वो रिकॉर्ड हो सके और उसकी वीडियो वगैरह बन सके. जो वाटर लेंगे वाटर मेज के अंदर वो टैप वाटर होगा जो कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड या क्लोज टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. इसके अलावा हम जो है दो प्लेटफॉर्म्स पे इनकॉर्पोरेट करेंगे. एक हिडन होगा और एक जो हम विजुअलाइज कर सकते होंगे वो होगा. हम या माइस या रोडेंट जो है विजुअलाइज कर सकता होगा वो होगा. उसके अलावा वाटर मेज में जो वाटर है उसको हम ओपेक करेंगे विद मिल्क और नॉन टॉक्सिक प्लांट. इस तरह से हमारा वाटर मेज रेडी हो चुका है फॉर ट्रेनिंग द एनिमल. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स माय रिसर्च आर्टिकल. ओके, दिस इज माय रिसर्च आर्टिकल द मोरिस वाटर मेज. फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग हियर द पर्पस. व्हेनेवर एनिमल इंटरेक्ट विद न्यू एनवायरनमेंट एनिमल प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन. If animal encounter to that environment again, it recalls the information. In other words, an animal must be able to learn and must be able to retain its memory what they have learned. We check their learning and memory by indirect methods. Sometimes learning and memory of animal are disrupted due to lesion in different parts of the brain. कुछ दफ़ा ये होता है, इसका मतलब यह है कि कुछ दफ़ा ये होता है कि लर्निंग और एनिमल की लर्निंग और जो मेमोरी है वो अफेक्ट होती है जब लेजन्स बन जाते हैं, मतलब जख्म बन जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, बेसल फॉरी ब्रेन, सेरिबेलम, ये डिफरेंट दूसरे पार्ट्स ऑफ ब्रेन में. Morris water maze is a testing standard for rodent to check the learning and memory. It is a simple task based on visual cues in which rodent swims in our tank to find hidden platform. This test is usually used to study rodent models of neurodegenerative diseases like Alzheimer, Parkinson, as well as pharmacological compounds which affect the memory. Now I will move towards my method. Method को समझने से पहले हमें बात को पता होना चाहिए कि जो हम टैंक यूज कर रहे हैं जो कि ये है वो सर्कुलर होता है और जो ये टैंक है उसका मटेरियल या तो प्लास्टिक होता है या तो गैल्वेनाइज मेटल होता है और ये जो टैंक है वो सर्कुलर होता है विद 80 to 180 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 30 to 60 सेंटीमीटर हाई. और जितना स्मॉल जो है इसका डायमीटर होगा उतना ज्यादा ये अप्रोप्रिएट होगा फॉर टेस्टिंग माइस. इसके लिए हम इनफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है फिल करते हैं टैंक के अंदर ताकि एनिमल जो है वो बॉटम से टच ना करे. The water made opaque with milk water or ink for albino animals. Or tank painted black and water remains untreated. या तो हम पानी को ओपेक कर देंगे पाउडर मिल्क डाल के या फिर इंक डाल के एल्बिनो एनिमल, या तो हम जो आपका टैंक है उसको डायरेक्टली जो है ब्लैक कर देंगे, उसको टिंटेड ब्लैक कर देंगे और पानी को ओपेक नहीं करेंगे, पानी जैसा है अनट्रीटेड वैसे छोड़ देंगे. द पार्ट टेकन बाय एनिमल टू परफॉर्म
The path taken by animals to perform is recorded by a camera. ओके अप्रेटस को रूम में जो अप्रेटस होता है उसको हम रूम में रखते हैं. टेस्टिंग अप्रेटस इज लोकेटेड इन द रूम. इट्स लोकेटेड इन कंटेन्स एनवायरमेंटल क्यूज विच एड द रूडेंट इन स्पेशल लर्निंग. अप्रेटस को मतलब के रूम में रखा जाता है और स्पेशल मेमोरी के जरिए जो भी एनवायरमेंट रूम के एनवायरमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं वो स्पेशल लर्निंग के जरिए स्पेशल मेमोरी के जरिए स्टूडेंट जो है वो लर्न कर लेता है और अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है. मतलब कि उसको जो जो चीज़ें नज़र आती हैं एनिमल को जैसे कि फर्नीचर है रूम डिवाइडर है एक्सेट्रा वो सब उसकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं और ये जो मेमोरी है इसको आगे इसकी उसमें काम आती है. All the cues in the environment must remain fixed throughout the experiment. जितनी भी चीजें हैं एक्सपेरिमेंट के दरमियान वो सब जो है ना कॉन्स्टेंट रखनी है फिक्स रखनी है उसको छेड़ना नहीं है. जो जैसा है जैसे फर्नीचर जहाँ रखा हुआ है जहाँ डिवाइडर्स रखे हुए हैं वो वही मौजूद रहेंगे उसकी पोजिशन को उसको चेंज नहीं करना थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. जो फर्स्ट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो होती है प्री ट्रेनिंग. प्री ट्रेनिंग का एक फायदा ये होता है कि वो डिक्रीज कर देती है कंफ्यूजन को और स्ट्रेस को रोडेंट के अंदर. मतलब उनको स्ट्रेस नहीं होता और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती. इसमें क्या होता है कि हम एनिमल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू पूल एंड लर्न द लोकेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म. दो बेसिक ट्रायल होते हैं. एक प्लेटफॉर्म जो होता है वो विजिबल होता है और दूसरा प्लेटफॉर्म जो होता है वो हिडन होता है जो कि नजर नहीं आता. और दोनों के लिए अगर हिडन हो या जो है विजिबल हो दोनों के लिए हमें प्री ट्रेनिंग करनी होती है. प्री ट्रेनिंग में दो तरह के जो ट्रायल्स होते हैं वो एक होता है विजिबल प्लेटफॉर्म ट्रायल और एक होता है हिडन प्लेटफॉर्म ट्रायल. जो विजिबल प्लेटफॉर्म ट्रायल होता है उसमें हम एनिमल की मोटर और विजुअल एबिलिटी को असेस करते हैं. विजिबल प्लेटफॉर्म को हम अबव द सरफेस ऑफ वाटर रखते हैं ताकि जो रिडेंट है वो विजुअलाइज कर सके प्लेटफॉर्म को. मतलब उसे दिख सके वो प्लेटफॉर्म जो कि विजिबल होता है विजिबल प्लेटफॉर्म देख सके इसीलिए हम अबव द सरफेस ऑफ वाटर रखते हैं. और हम गाइड करते हैं रूडेंट को उस प्लेटफॉर्म की तरफ. जब एक दफा प्री ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद हम गाइड नहीं करेंगे रूडेंट को और फिर हम टेस्ट करेंगे उसकी मेमोरी और लर्निंग की इसने कितना सीखा उसको कितना याद रहा. एक दफा जब हमने उसकी प्री ट्रेनिंग कर दी उसके बाद हम उसे गाइड नहीं करेंगे उसकी मेमोरी और उसकी लर्निंग को चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लगा उसको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए. और काफी सारे ट्रायल्स के बाद काफी ज्यादा जो है ना गलत रास्ते अपनाने के बाद वो जो जहाँ प्लेटफॉर्म मौजूद है वहां पहुंच जाएगा. और दूसरा है हिडन प्लेटफॉर्म टेस्ट प्लेटफॉर्म ट्रायल टेस्ट. इसके अंदर लाजमी है कि एनिमल को वाटर टैंक के अंदर रखें. उसमें हम वाटर टैंक जो था वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर रख रहे थे. अब ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना हिडन प्लेटफॉर्म टेस्ट में ये हम अंदर रखेंगे इस प्लेटफॉर्म को ताकि एनिमल जो है वो पानी के अंदर रहे. और 60 to 120 seconds के अंदर 60 to 120 seconds के टाइम देंगे कि वो हिडन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके क्लाइंब करके वाटर को. एनिमल को प्लेटफॉर्म पर 10 to 30 seconds के लिए छोड़ देंगे और फिर अगेन एनिमल को डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द टैंक में जाने देंगे. जो प्री ट्रायल जो होते हैं वो हम सेवरल डेज तक कर सकते हैं. जैसे कि दो ट्रायल जो हैं हम 2 trials डेली फॉर 10 days एंड 4 trials डेली फॉर 4 days एक्सेट्रा. आफ्टर विजिबल और हिडन प्री ट्रायल अ प्रोब ट्रायल इज कंडक्टेड. विजिबल और हिडन प्री ट्रायल करने के बाद हम एक प्रोब ट्रायल करते हैं. प्रोब ट्रायल क्या होता है जो कि हम सबसे आखिर में करते हैं और वो चेक करने के लिए कि मेमोरी कितना उसने लर्न किया है ये चेक करने के लिए हम प्रोब ट्रायल करते हैं. प्रोब ट्रायल क्या होता है. प्रोब ट्रायल मीन्स व्हेन नो प्लेटफॉर्म इज प्रेजेंट. जब कोई भी प्लेटफॉर्म ना हो
and rodent is placed in water, and check it moved towards the same position where platform is present. If yes, then it means that it successfully learned it. When animal learn where platform is swimming, where platform is present, जब animal learn कर लेता है कि कहाँ platform मौजूद है, तो उसका swimming time भी कम हो जाता है, और वो platform तक जल्दी पहुँचता है, ये सारी चीजें जो हमारा वो कैमरा है वो रिकॉर्ड कर लेते सारे टास्क को. नाउ वेरिएशन ऑफ द मोरस वाटर मेस एपरेटस, डिफरेंट वेरिएशन होती है, हो जाती हैं वाटर मेस एपरेटस के अंदर. हो सकता है कि डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, उसके अलावा वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, इक्विपमेंट जो प्लेस हुए हुए हैं वो भी चेंज हो सकता है, फर्नीचर वगैरह जो प्रेजेंट है वो भी चेंज हो सकता है, रूम की लाइटिंग भी चेंज हो सकती है, मतलब डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं मोइस वाटर मेस एपरेटस के अंदर. अब सक्सेसफुली प्री ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद हम रीट्रेनिंग करते हैं. रीट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है उसको हम शिफ्ट करते हैं न्यू प्लेस इन दी पूल में, मतलब नई जगह पे, पूल में एक नई जगह पे उस प्लेटफॉर्म को रखते हैं और चेक करते हैं कि कितना जो है एनिमल को टाइम लगा, एनिमल की कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी फास्ट कितनी जल्दी वो लर्न कर रहा है, कर लेता है उस न्यू प्लेस को, उस न्यू लोकेशन को, और फिर उसमें उसके जरिए हम एग्जामिन करते हैं एनिमल को. थ्रू दिस वी एग्जामिन परसिस्टेंसी ऑफ द स्पेशल मेमोरी. Now, it is the last topic of my research article, which is the animal welfare concern. मतलब कि animal की जो के बारे में, animal की welfare के बारे में हमें ख्याल रखना जरूरी है, कि मतलब कि moist water में apparatus में हमें ख्याल रखना जरूरी है कि animal must be placed gently in water because dunking the animal causes great stress. Animal को जब हम पानी में रखें तो बहुत आराम से रखें, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है जब उसको हम पानी में डालेंगे तो. इसके अलावा एनिमल्स विद इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, एनिमल्स विद इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, एडवांस्ड एज और सेंसरी इश्यूज नीड स्पेशल सुपरविजन. रोडेंट, इसके अलावा जो रोडेंट है उनको हमें ड्राई करना चाहिए, मतलब वो गीले हो रहे होंगे ना जब हम उसको एक्सपेरिमेंट में डालेंगे, स्विम करवाने के लिए डालेंगे, तो उसको ड्राई, जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए तो हम रोडेंट्स को ड्राई करेंगे. रोडेंट मस्ट बी ड्राइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड रिटर्न टू होम केज, और रोडेंट को वापस उसके जो होम केज है जो भी उसका उसमें डाल देंगे. थैंक यू सो मच.